हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसे हम लोग का मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, 4 हो चुका था, ये पांचवा आपका प्रैक्टिस सेट है। हमारा मैथ का जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन, जो जितने भी सारे लेवल्स के सब मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, और जहां जहां से क्वेश्चन जिस प्रकार से जो आता है क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चन को हम ला करके प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे देखेंगे और प्रयास करेंगे और बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीके सीखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और आपको इसमें वीडियो में बताया जाएगा, ट्रिक्स भी दिया जाएगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी दिया जाएगा। तो आप जो है से इस वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए। ये है आपका प्रैक्टिस सेट 5 है आपका, और यहां से हम लोग रेगुलर वीडियो को देख लाते रहेंगे। हाँ, गड़बड़ ये आपका क्वेश्चन है बोर्ड पे। एक तैराकी जिसकी गति स्थिर जल में 15 किलोमीटर है, पर शेड कर लेते हैं। disconnected. ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। एक तैराकी जिसकी गति स्थिर जल में 15 किलोमीटर घंटा है, 15 किलोमीटर पर घंटा है, अब धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाता है और वापस आ जाता है। पूरी यात्रा में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तो धारा की गति में गति बताना है आपको कितनी होगी। देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका से भी सोल्व करना है और हम आपको बेसिक तरीका भी सिखाएंगे इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। जब नदी में जब भी कोई व्यक्ति चलता है तो पहला चलता है आपका धारा, एक होता है धारा यानी जो नाव फ्लो कर रहा है, एक दूसरी व्यक्ति जो होता है कोई व्यक्ति या तो नाव होता है, या तो नाव हो सकता है या फिर व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है। ये जो जिस स्पीड से चल रहा है आप इसको बदल नहीं सकते, पर इसको बदला जा सकता है। ये जिस स्पीड से चल रहा है इसमें आप परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जिस स्पीड से चल रहा है इसमें आप परिवर्तित नहीं कर सकते, ज्यादातर चांस नहीं कर सकते। तो आप हमेशा याद रखिएगा, तो आप इसको वाई मान लीजिए और इसको एक्स मान लीजिए, तो हमेशा एक्स जो होगा वाई से बड़ा होगा, एक्स जो होगा वाई से बड़ा होगा मेरे सर, ठीक है यहां तक? पर इसी प्रकार से जब और भी देखें, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। और जब धारा चलता है, तो जैसे मान के चलिए कि हम जब नदी में चल रहे हैं तो एक धारा के बहाव के साथ चलते हैं और एक धारा के जब विपरीत दिशा में आते हैं तो ऊपर की ओर आते हैं तो उसको बोलते हैं प्रतिकूल, और एक जब धारा के साथ चलते हैं तो उसको बोलते हैं अनुकूल। जब अनुकूल चलते हैं अनुकूल जब चलते हैं हम लोग, अनुकूल में क्या होता है कि आप धारा के साथ चलते हैं, यानी आप भी चलते हैं और धारा के साथ साथ चलते हैं, यानी जो भी होगा x प्लस वाई होगा, ठीक है? अगर प्रतिकूल में हम देखें, तो x माइनस वाई होगा। ठीक है ना यहां तक? तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ये आपका बेसिक चीजें होती हैं जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज है, इसमें आपका स्पीड डिस्टेंस का बात है, तो यहाँ पे फॉर्मूला एक लगेगा, जो दूरी इक्वल टू फॉर्मूला होता है, दूरी इक्वल टू समय गुना चाल, यानी डी इक्वल टू एस मल्टीप्लाई टी। इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे, इतना चीजें था बेसिक जो हमको समझाना बहुत जरूरी था। अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, अब ये हो गया, इसको मिटा देते हैं, इतना चीज समझना बहुत जरूरी था, इसको समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिएगा, अभी हम पढ़े कि d इक्वल टू जो होता है s मल्टीप्लाई t होता है। तैराक जो है 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल चल रहा है, अनुकूल में हम देखे थे कि x प्लस y हो रहा था 30 किलोमीटर, तो 30 ऊपर मेरा रहेगा और अनुकूल चल रहा था x प्लस y, और टोटल उसको कितना घंटा लग रहा है, 4 घंटा 30 मिनट, तो प्लस यहां से करेंगे, और वापस भी वो आ रहा था, जब 30 किलोमीटर चला होगा तो वापस भी आ रहा था, तो वापस भी 30 किलोमीटर चला होगा, जब वापस चला होगा तो प्रतिकूल था, तो प्रतिकूल में हम क्या बताए थे कि x माइनस वाई, और इसे टोटल कितना लग रहा था, 4 घंटा प्लस 30 मिनट, ये आवर में था। यहां तक क्लियर है? अभी हम क्या देखें कि मेरा जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो 15 किलोमीटर ये लिखा हुआ है, ये 15 किलोमीटर ये स्थिर जल में तैराक की चाल है, तैराक की चाल यानी इसका चाल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो x इक्वल टू मेरा होगा 15 किलोमीटर होगा, तो हम क्या करेंगे कि इस x के जगह पे इस x को हटा करके यहां पे 15 लगा देंगे, यहां पे 15 कर देंगे, यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे हम, देखिए इसको जब सोल्व करने लगेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, इसको सोल्व करने में ज्यादा समय लग जाएगा, आप इसको भी सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिएगा, 4 घंटा दिया हुआ है प्लस 30 मिनट, 30 मिनट को हम 1/2 आवर भी लिख सकते हैं 1/2 आवर, ये भी एच ही था, जब 1/2 तो इसको करेंगे कैलकुलेशन तो आपके यहां से बन करके आ जाएगा 2, और ये 4 × 2 = 8 और 1 = 9, ये 9 आवर आपके यहां से बन करके आएगा, 9 घंटा 9/2 आवर बन करके आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको हटा देते हैं यहां से, इसको हटा देते हैं और यहां पे लिख देते हैं 9/2। ध्यान दीजिएगा यहां से, यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, इसको सोल्व ज्यादा नहीं करेंगे, इसको सोल्व करने में हमें ज्यादा समय की जरूरत लग सकता है, ज्यादा समय लग सकता है, तो हम पहले ऑप्शन पे नजर दौड़ाएंगे एक बार, ये मेरा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पे नजर दौड़ाएंगे और हमको सेटिस्फाइड कराना है वाई के जगह पे हम क्या रखें कि मेरा जो है 9/2 आ जाए। अगर हम 6 रखते हैं तो 15 × 6 = 21 हो जाएगा, जब 21 होगा तो ये पूर्णांक में चला जाएगा, पूर्णांक में जाएगा तो ये नहीं हो सकता है, पूर्णांक में जाने के बाद ये नहीं आ सकता है। 3 रख के देखते हैं तो 3 यहां पे रखेंगे तो यहां पे बनेगा आपका 18, यानी 30/18 बनेगा, प्लस यहां पे 30 करेंगे और यहां पे देखेंगे तो 15 में से 12 ही बनेगा, और हमको कितना लाना है यहां से 9/2 लाना है हमको। काट के देखते हैं तो कटेगा तो ये 5 बार में, ये बनेगा 3 बार में, इसको कटेंगे तो ये 5 बार में, ये कटेगा 2 बार में, तो एलसीएम लेंगे तो 5 और 2 का एलसीएम नीचे बनेगा 6, और यहां पे बनेगा 15, वहां पे जाएगा यहां पे 15, यहां पे 10, तो 15 और 10 = 25/6, तो ये भी नहीं आपका हो सकता है, तो आपको फास्ट करके चेक करना है, ये भी नहीं हो सकता है तो ये भी मेरा नहीं आंसर होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को हम बनाएं तो इस क्वेश्चन को मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में बना सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम समय लेकर के बता रहे हैं। अब हम 4 को रखते हैं यहाँ पे, 4 को, तो 15 और 4 = 19, ये भी नहीं कट पाएगा, ये भी नहीं हो सकता है, इसको भी हटा दीजिए। अब हम 5 रख के चेक करते हैं यहाँ पे, तो 30/15 = 5 = 20 प्लस 30/15 में से 10 = 5 जाएगा तो बचेगा पर 10, यहां से आपका कटेगा 3, यानी और ये वाला 0 0 हटा दीजिए तो बचेगा यहां से आपका 3/2 + 3, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, नीचे आएगा 2, 3 × 6 और 3 = 9, यही आपको लाना था यहां से।
तो ऑप्शन से आपका इस प्रकार से बनेगा, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना था, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना था। प्रयास करना है इस क्वेश्चन को कि जितना आसान से आसान तरीके से सॉल्व किया जा सके, हमको एग्जाम में समय की बचत करना है। ये था आपका क्वेश्चन पहला, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करे आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव, ये जो प्रस्ताव दिया हुआ है, प्रस्ताव दुकानदार के लिए बेहतर है। देखिए दुकानदारी में जब होता क्या है कि जब भी कोई अगर दुकानदार छूट वगैरह की बात करता है, तो अगर उस प्रकार के ऑफर में रहता है, तो आप ग्राहक को लुभाने के लिए, ग्राहक को लुभाने के लिए जैसे ऑफर दिया जाता है, तो वही यहाँ पे कुछ ऑफर चल रहा है। पहला ऑप्शन में क्या कर रहा है कि दो खरीदा जाता है और एक को निःशुल्क दिया जाता है। दो खरीदिए एक निःशुल्क पाइए, गेट वन बाई वन जो होता है ना, आप मॉल में कहीं जाते होंगे तो सुनते होंगे, वही चीज यहाँ पे है। दूसरा में क्या कर रहा है कि तीन खरीदिए और दो पाइए निःशुल्क में। तीसरा में क्या कह रहे हैं कि तीन खरीदो और पांच को निःशुल्क पाओ। तो इसमें दुकानदार के लिए बताना है। ध्यान देखते हैं कैसे बनेगा ये। दो खरीदो तीन पाओ, तो टोटल कितना होगा बेच रहा हूं, टोटल अगर वो सेल कर रहा है, अगर सेल हम देखें उसका सेल कितना कर रहा है पहला वाला में, ये पहला के लिए देखते हैं, पहला वाला में सेल कितना कर रहा है तीन ठो, और फ्री कितना दे रहा है वो इस तीन में ही, इस तीन में फ्री कितना दे रहा है, एक तो फ्री दे रहा है तीन में एक फ्री है। अगर हम देखेंगे तो एक बटा तीन मल्टीप्लाई सौ, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ये तैतीस, ये आएगा, ये पहला के लिए है। क्लियर है यहां तक? इसी तरीका से दूसरा में देखेंगे, दूसरा में क्या देखेंगे, तीन खरीदो पांच और दो निःशुल्क पाओ, तो टोटल कितना सेल कर रहा है, अगर हम देखेंगे सेल कितना कर रहा है वो, तो सेल कर रहा है पांच ठो आइटम या जो भी होगा, और ऑफर कितना दे रहा है, फ्री कितना दे रहा है दो ठो, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो दो बट्टा में पांच मल्टीप्लाई सौ करने का, तो ये आएगा आपका बीस, और बीस दूना चालीस, चालीस प्रतिशत, 40%। हम तीसरा देखेंगे, तीसरा में क्या है कि तीन खरीदो और पांच पाओ, तो टोटल कितना बेच रहा है वो आठ। अगर देखेंगे तीसरा का सेलिंग में सेल कितना कर रहा है आठ, और फ्री कितना दे रहा है, फ्री कितना दे रहा है पांच, तो कितना मेरा बनेगा यहां से आठ और पांच मल्टीप्लाई सौ, इसको काटेगा तो 12.5 मल्टीप्लाई करने के बाद 12 पच्चीस 60 और 2.5 यानी 62.5%। तो दुकानदार के लिए कौन सा सबसे ज्यादा फायदा होगा, दुकानदार के लिए ऑफर में अगर देखा जाए तो ऑफर दुकानदार के लिए तो सबसे कम जो होगा वही ना आपका होगा। दुकानदार को तो सबसे ज्यादा यही कितना जितना हम ज्यादा से कम छूट दे सके, ज्यादा छूट देगा तो दुकानदार को फायदा ही नहीं होगा। तो ये आपका पहला वाला रहेगा, जो पहला प्रस्ताव इसका जो होगा आंसर, पहला प्रस्ताव इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, क्लियर है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी पर लंब है और एई कोण बीएसी की समविभाजक है, यदि कोण एबीसी बराबर 58 डिग्री दिया हुआ है और एसी भी इज इक्वल टू 34 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण डी ए का माप बताइए। क्लियर है? देखिएगा, समझिएगा, कोशिश करने का, समझने का प्रयास करिएगा। तो इंग्लिश सही नहीं बनता है, ई का बन रहा है भाई, ये ए है, एबीसी है ना, ये बी है और ये सी है। क्लियर है? बोल रहा है कि एडी जो है बीसी पर लंब है, एडी जो है
ए बी सी, यहां से अगर देखिए तो ये वाला जो है आपका इसमें लंब है, ये डी है। फिर क्या कह रहा आपका ए ई जो है कौन ए कौन बी ए सी, यानी बी ए सी इसको समविभाज कर रहा है, यानी ये जो है ये वाला पार्ट ये जितना होगा और ये ही वही इधर इतना होगा। अगर हम देखें कि जितना अगर ये वाला थीटा बन रहा होगा तो ये वाला भी आपका थीटा बनेगा, मतलब जो समद्विभाज कर रहा, मतलब समद्विभाज को, समद्विभाज का मतलब कि दोनों जो एंगल होगा वो आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर दिया हुआ आगे कि यदि कोण एबीसी, यानी एबीसी एबीसी ये वाला आपका दिया हुआ है 58 डिग्री, ये 58 दिया हुआ है, यह 58 दिया हुआ और ये वाला आपको कितना दिया हुआ है 34 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि हमको अगर क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है डी ए ई, डी डी ए ई, तो यहां से याद रखिएगा डी ए ई जो होगा एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइड बाई 2, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ये कहां से कॉन्सेप्ट आया, जब हम लोग अच्छा तरीका से क्लास करेंगे वहां पे तो उसमें हम लोग इस चीज को समझेंगे कि आखिर ये कहां से आया। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना है। यानी डी ए अगर हम देखेंगे एंगल डी ए ई इक्वल टू क्या होगा 58 है माइनस 34 डिवाइड बाई 2, 58 से 34 जाएगा तो 24 बचेगा, 24/2 ये कटने के बाद आपका आ जाएगा 12 आंसर, 12 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आई होप समझ में आया होगा आपको, क्वेश्चन में कुछ खास जानना था, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है आपका, टेन स्क्वायर ए प्लस 5 सेक ए इक्वल टू 13 दिया हुआ है, जहां 0 लेस देन ए और ए जो लेस देन है 90 से, तो डिग्री में बताइए, डिग्री में इसको हल करिए, डिग्री में हल करना है इसको। देखिए इसको बेसिक से जब बनाने लगेंगे तो बेसिक से बनाएंगे तो ये समय ज्यादा ले लेगा, तो बेसिक से जब बनाएंगे तो समय ज्यादा लेगा, तो हमको एग्जाम हॉल में समय का बचत करना है, तो हम इसको बेसिक से नहीं बना करके हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके चेक करेंगे आखिर इसमें थीटा के जगह पे क्या आएगा, यानी ए के जगह पे क्या आएगा कि इसको सेटिस्फाइड कर जाए, यानी हम इस ए के जगह पे भी कुछ रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, रखना पड़ेगा और हमको 13 लाना है और सेटिस्फाइड करा करके चेक करना है कि कौन सा ऐसा वैल्यू हो सकता है जिसको सेटिस्फाइड करा दे, यानी ए इक्वल टू क्या होगा जो इसके बीच और इसके बीच में होना चाहिए। तो याद रखिएगा अगर जहां भी कहीं आपको tan थीटा या cot थीटा दिखाई दे तो थीटा के जगह पे, तो थीटा के जगह पे आप लोग हमेशा याद रखिएगा 45 या फिर 60 डिग्री या फिर 30 डिग्री इतना रख करके चेक कर लीजिएगा, ये रख के चेक करिएगा, इतना ही रख करके चेक करना है। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे वैल्यू, लेकिन इससे पहले आपको कि वैल्यू आपको पता होना बहुत जरूरी है, आपको सबका वैल्यू साइन थीटा साइन 30 डिग्री के कितना होता है, साइन कॉस डिग्री साइन कॉस का कॉस 45 डिग्री कितना होता है, सेक 30 डिग्री कितना होता है, कॉट 45 डिग्री कितना होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। अगर ये नहीं पता रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाइएगा, तो ये आपको बहुत जरूरी याद करना है आपको। हम क्या करेंगे कि थीटा के जगह पे कुछ ऐसा रखेंगे, तो
ए है मेरा थीटा के जगह पे, तो थीटा के जगह पे हम क्या रखें कि मेरा आएगा वैल्यू इतना। चेक करते हैं, देखिए अगर हम ए के जगह पे 60 डिग्री रख दें, क्या रखें 60 डिग्री, ठीक है, टेन टेन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है आपका रूट थ्री होता है, और कॉट 60 डिग्री को अगर हम देखें तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू आपका 1/√3 होता है। तो हमको देखने से लग रहा है कि हम यहां पे अगर रखेंगे tan 60 डिग्री स्क्वायर में है प्लस sec sec 5 है ना जी, यहां पे 5 कर लीजिएगा, sec a इज इक्वल टू 13। हम यहां पे रखेंगे, यहां भी रख लीजिए आप 60 कर लीजिए, यहां पे tan 60 इक्वल टू रूट थ्री था, यहां पे स्क्वायर दिया हुआ तो रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस ये 5 है और sec 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो sec अगर हम देखें sec का sec 60 डिग्री का वैल्यू मेरा जो होगा वो 2 होगा, 2 होगा, तो यहां पे 2 लिख देते हैं, अगर देखें तो ये 3 होगा और इधर से 10 मिलकर अगर 13, हमको यही सेटिस्फाइड करना था ना यहाँ पे, तो हम 60 डिग्री रखेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे 45 भी दे दिए, 60 भी दे दिए, 30 भी दे दिए, तो आपको कैलकुलेशन में दिमाग लगाना है, आपको फॉर्मूले इसको पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं तो पहले तो अगर हम 45 डिग्री लेते हैं tan 45 का वैल्यू होता है रूट 1 होता है, रूट नहीं होता है 1 होता है, अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे और तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो आएगा ही नहीं, 30 रखेंगे तो 1/√3 होता है, तो फ्रैक्शन में है ही नहीं, होगा ही नहीं, तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है, हालांकि स्टेटेड में पूछता है तो आपको इसको देखना भी है। एक त्रिभुज के कोण जो है 8x-15 डिग्री, 6x-11 डिग्री और 4x-10 डिग्री है, तो x का मान बताइए कितना होगा, x का मान बताइए कितना होगा। x का मान बताना है आपको, देखिए लिखना आपको, वी नो दैट sum of all angles of a triangle is equal to कितना होता है 1080 होता है, इतना पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसको ये वाला एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल भी है, तो सब का अगर हम देखेंगे तो यहां से अगर करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, तो वही चीज यहां पे लगाएंगे 8x-11 नहीं है ना 15 है, प्लस 6x-11 प्लस 4x
माइनस 10 इज इक्वल टू 180। 8x, 6x, 4x, 6, 4, 10 और 10, 18x माइनस 15 और 11, 26 और 10, 36 इज इक्वल टू 180। 18x इज इक्वल टू 180 प्लस 36। इसको करेंगे तो यहां से बंद करके आप आएगा कि 10 18 है ना, 18x इज इक्वल टू 216। x से यहां से आएगा मेरा वैल्यू तो 216 डिवाइड 18, काटिएगा इसको तो 18 दो 36, आंसर लास्ट में 2 आना चाहिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, समझ में आया भी होगा। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसको समझेंगे कैसे बनाना है। x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स वाई का मान ज्ञात करिए। देखिए इसको अगर हम बेसिक मेथड से बनाने लगेंगे तो थोड़ा सा लंबा जा सकता है। इसको हम लोग वैल्यू पुट करके बनाएंगे, हीट एंड ट्रायल वाला से, हीट एंड ट्रायल मेथड लगा करके प्रयास करेंगे बनाने का। जो ज्यादा आसान होगा हम उसी को प्रयास करेंगे। हीट एंड ट्रायल ये कैसे जाएगा, जब 2-3 क्वेश्चन जा रहा था जब सोल्व कर लीजिएगा तो आपको अपने अपने वो चीज डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, y is equal to 2 और z is equal to 1 रखेंगे। आप इस पे रख करके चेक करिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 माइनस 2 प्लस 1 is equal to आपको 0 लाना है, ये दोनों कट करके तो 0 आ जाएगा। हमको हीट एंड ट्रायल लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सत्य किचन में हीट एंड हम तो नहीं लगा सकते हैं, तो बेसिक से भी आपको बता दिया जाएगा, अभी सब्र करिए। अब यहां पे हम रख करके चेक करेंगे, y स्क्वायर है तो y का वैल्यू हम कितना लाए हैं 2, तो 2 को रखेंगे तो 2 दूनी 4 बनेगा आपका, 2 दूनी 2 पे स्क्वायर करिएगा 4, नीचे 2 दिया हुआ है और यहां पे बनेगा 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस x स्क्वायर का वैल्यू आप 1 रखे हैं तो 1 ले लीजिए और यहां पे आपका 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है कि यहाँ पे होगा आपका जेड होना चाहिए, इस जगह पे जेड होगा, इसको सुधार कर लीजिएगा, जेड होगा इस जगह पे। तो जेड का कितना है 1 है तो 1 की स्क्वायर कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2। यहां से करेंगे तो 4/2 माइनस, यहां से करेंगे तो 1/4, यहां से करेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको सब मल्टीप्लाई करिएगा कितना आएगा। क्लियर है, यहां से करेंगे तो 1/2 माइनस ये इसको ऐड करेंगे तो इसको करेंगे यहां से तो 1/4 और 1/4, इसको कैलकुलेशन करिए, इसको तो 1/4 1/4 मिल करके बनेगा आपका, ओ सॉरी मिस्टेक हुआ है, यहां पे बनेगा आपका 2/1 माइनस ये बनेगा आपका 1/2। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा 1/4 माइनस में 1/4 एलसीएम लीजिएगा, 4 ऊपर में जाएगा माइनस 1, यहां भी आएगा माइनस 1, मिला करके माइनस 2/4 इक्वल टू करिएगा तो आप यहां से काटने के बाद आएगा माइनस 1/2, ये पे किया गया है माइनस 1/2। ये कैलकुलेशन करने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करने के बाद आपका आएगा 4 - 1/2 यानी आंसर होगा आपका 3/2। 3/2 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है ऑप्शन, जो खत्म हो गया। तो आपको सोल्व करना था, कुछ खास क्वेश्चन में जान जीव नहीं था, उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सात नंबर क्वेश्चन, सात नंबर कह रहा है कि 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी की जाती है। 900 किलोमीटर की यात्रा यदि यदि यात्रा का दो पांचवे भाग 60 किलोमीटर घंटे की गति से पूरी की जाता है तो शेष यात्रा किस गति से पूरी की जाएगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हम लोग अभी कुछ देर पहले ही बताया गया था कि दूरी इस पर जो फॉर्मूला होता है चाल बटा समय बताया गया था, चाल गुने समय, यही लगाना है फॉर्मूला यहाँ पे। या तो आप लगा लीजिएगा समय इस पलटू दूरी बटा चाल, इस पे लगाना है आपको। देखिए बोल रहा है कि 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटा में, यदि यात्रा का दो पांचवा भाग 60 किलोमीटर से, तो अगर हम देखें कि 900 था मेरा पहले और 900 का दो बटा पांचवा भाग ये है, अगर इसको हम काटेंगे 18 से ये कटेगा, 18 जीरो जाएगा, 18 दूना 36, 360 किलोमीटर जो होगा वो 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। कितने की स्पीड से जा रहा है ये, 60 किलोमीटर की स्पीड से ये भागेगा। तो लगाएंगे हम क्या कि 360 बटा में 60 दूरी बटा चल, ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको प्लस। अब 900 में से 360 तो चल दिया, वही जो बचा हुआ पार्ट है आपका 900 में से 360 जाने के बाद कितना बचेगा आपका, 9 में कितना 540 बचना चाहिए, 540 बटा में, अब इसके लिए तो कुछ नहीं है, अनॉन है, जिसको कुछ समय के लिए मान लीजिए एक्स या कुछ भी, और ये टोटल समय पूरा कर रहा है, कितने घंटा पूरा कर रहा है, 11 घंटा में पूरा कर रहा है, यहां पे लिख देंगे 11। ठीक है, ये कटेगा 6 बार में कटेगा, तो 540 यहाँ पे 6 कर लीजिए, 540 बटा एक्स इज इक्वल टू 11। 540 को आप यहीं पे छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए एक्स यहाँ पे, और ये वाला पार्ट उठ करके इधर आ जाएगा, तो 11 माइनस 5, 5 नहीं ना 6 ना बचेगा यहाँ पे 6, अब ये बनेगा कितना आपका 540 बटा में x डिवाइड यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, इसको काट लीजिए 5 से कम 5 0 8, तो यहां से हम देखेंगे कि मेरा x जो वैल्यू आएगा x का, यहां से देखेंगे हम कि x का जो मेरा वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 108 किलोमीटर किलोमीटर आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा समझना था क्वेश्चंस को, कोई क्वेश्चंस में जान नहीं था, क्लियर है। ठीक है सर, आगे बढ़े, आनंद आ रहा होगा, हम प्रयास करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे क्वेश्चन जिस लेवल का हो हम समझाने का बेहतर से बेहतर तरीका लगा करके, ताकि आपके एग्जाम में काम आए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी हो जाती है और बाद में फिर 50% की वृद्धि हो जाती है और फिर पुनः 100% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता है। देखिए क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, इजी ही है। 50% अगर मान लेते कि पहले 100 होगा, तो अब घट गया कितना होगा ये 50, प्रतिशत प्रतिशत याद रखेगा, तो हम इसको नहीं ऐसे लिख करके, हम डायरेक्ट इसको ऐसे 50 से इसको हम ऐसे काट दें, इसको ये हो जाएगा आपका 2, यहां से आपका आएगा 1। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि 50% की वृद्धि हो जा रही है, यानी अगर हम पहले 100 था अब जो है 150 हो जा रहा है, इसको हम क्या लिखें 2 है तो अब कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर है, फिर से पुनः क्या हो रहा है कि 100% की वृद्धि जा रही है, यानी पहले अगर 100 होगा, दोनों वृद्धि है ना, तो अभी कितना बढ़ करके हो गया ये वाला, ये 200 हो गया, यानी यहां पे अगर देखें तो ये 1 होगा, ये 0 0 कट रहा है याद रखिएगा से, तो काटने के बाद इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 4
और ये 3 दूना 6, यहां से कितना बढ़ रहा है 2, और ये 4 वाला मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए 25 बार में, 25 दूना 50, 50% क्या हो रहा है वृद्धि, 50% क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, 50% क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, उन सब दो संख्याओं की संख्याओं का योग, उन सभी दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 2, 3, 4 है, 2, 3, 4 से विभाज्य है, 2, 3, 4 से विभाज्य है। पहले आप काम करिए इसमें कि 2, 3, 4 का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा इसका तो आपका डायरेक्ट एलसीएम आएगा, यहां से 1 हो जाएगा, 3 और ये 2, तो 6 दूना 12 एलसीएम जो आपका यहां से निकल करके आएगा, आपका एलसीएम लीजिएगा 2 गुने 3 गुने 2 एलसीएम 6 दूना 12 आपका आएगा। आपको बताना है कि ये जो 12 से 100 तक ना कितना जा रहा है, 2 अंकों की संख्याएं हैं, 2 अंकों की संख्या यानी कहां से 10 से लेकर के 99 तक, 99 तक 12 से ऐसे कितने नंबर होंगे, उन सब नंबर को 12 से डिविजिबल होना चाहिए और उसके फिर उसके सम को बताना है, उसके सम को बताना है। जब हम कुछ दिन पहले हम फॉर्मूला पढ़ा रहे थे, कुछ दिन की प्रैक्टिस, हम बताए थे कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, योग के लिए क्या फॉर्मूला होता है। अगर योग आपको फॉर्मूला बताना होगा तो आप बताइएगा कि SN इज इक्वल टू N बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, N माइनस 1 इंटू इसको मिटा ही देते हैं, अब एलसीएम था ना जी, सब ही मिट गया, यहाँ पे याद रखिएगा एलसीएम था, ये क्या हो गया भाई पीछे हो, क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये वाला था ना, -1 × D, ये आपको बताया गया होगा, D आपको बताया होगा आपको। अब आपका एलसीएम जो अभी आया, इसका एलसीएम अगर हम देखें, एलसीएम अगर ये अभी आया था तो आपका आया था 12। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि पहला अगर हम देखें तो पहली मेरी नंबर जो होगा, अगर 10 से लेकर के कहां तक आपका जा रहा है 99 तक हम देखेंगे, तो पहला जो नंबर होगा 12 होगा, ठीक है, पहला नंबर जो होगा 12 होगा, दूसरा कितना नंबर होगा 24 होगा, दूसरा क्या नंबर होगा 24। अब इसको तो लिखेंगे नहीं ना, लास्ट के जब यहाँ पे 99 तक हमको चेक करना है तो लास्ट 99 तक टेबल चेक करिए, तो 12 8 96 होता है लास्ट में, अगर यहाँ से देखें तो लास्ट में कितना होता है 12 8 96, 12 8 कितना होता है 96 होता है, तो ये कितना बार में आया है, ये 8वां टर्म, ये 8th टर्म, ये 8th टर्म है, यानी जो 8 जो आ रहा है यही आपका n इक्वल टू होगा, n इक्वल टू कितना होगा आपका n, 8 n इक्वल टू कितना होगा 8 होगा। अब हम आगे देखते हैं, यानी यहां से अगर देखें a इक्वल टू मेरा होगा पहला टर्म, a इक्वल टू क्या होगा पहला टर्म, ये a1 होगा, ये अगर देखें तो ये a2 होगा, a1 इक्वल टू a इक्वल टू 12, d क्या होता है a2 में से a1 को घटाते हैं, यानी इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां पे मेरा बनेगा 12 में से, अगर हम 24 में से 12 घटाएंगे यहां पर d देखेंगे हम तो d मेरा बनेगा 24 − 12 इक्वल टू कितना बनेगा 12, n इक्वल टू कितना मेरा भी आया है 8। क्वेश्चन के तो यही डिमांड है और कुछ तो नहीं है, अब मिटा लेते हैं इसको, अब पुट करते हैं इसके ऊपर, SN इक्वल टू क्या होगा आपका
एन एन यहाँ पे एन के वैल्यू कितना है 8, यहाँ पे लिखेंगे 2 × 12 प्लस एन, एन के जगह पे 8 − 1 और डी कितना है मेरा 12 ही आया है। इससे इसको काटिए, 4 बार में कटेगा ये वाला, 12 × 2 = 24 प्लस 7 × 12 12 = 84, 24 प्लस 12 = 84 हो जाएगा यहाँ पे। और इसको ऐड करके देखेंगे तो 4 × 4 = 8 × 2 = 10 यानी 108 आएगा, 108 मल्टीप्लाई ये वाला 4, जब करिएगा तो आपका बनेगा 432, 432 आंसर आएगा। 432 कहाँ पे दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, 432 कहाँ दिया हुआ है, सी में। तो ऐसे बनाना था क्वेश्चंस को, जब आप कैलकुलेशन जब करने लगे क्वेश्चन बनाने लगेगा तो ये सब आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये हम सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या एलसीएम इसकी जल्दी मन में नहीं निकाल सकते हैं, जब बनाने लगेगा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने लगेगा तो इस तरीका से आपको क्वेश्चन को बनाना है, जब प्रैक्टिस करने लगेगा तो ये सब अपने अपने डेवलप होने लगेगा, लेकिन पहले आप उसको नियम सीखिएगा तब ना बनाइएगा, नियम को जानेंगे ही नहीं। जब आप गाड़ी चलाने लगेगा तब ना आप रोड पर दौड़िएगा गाड़ी। तो ये था आपका क्वेश्चन, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं है तो यहीं तक क्वेश्चन था, जितना ही क्वेश्चन था, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, ठीक ना। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।